कैसे हैं आप सब। मैं आपको आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं दिखाने वाला हूँ कि इंडिया में कोविड टेस्ट कैसे किया जाता है और यूएस में कोविड टेस्ट किया जाता है कैसे किया जाता है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब टेस्ट करने में नहीं है, बट द वे दे आर डूइंग यहाँ पे इंडिया में और अमेरिका में बहुत ज़्यादा अलग है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ वीडियो के ज़रिए, यहाँ पे कैसे करते हैं अमेरिका में वो भी दिखाऊंगा, इंडिया में कैसे करते हैं और क्या प्रोसीजर होता है वो भी दिखाऊंगा। बहुत वो नहीं है कि ओह माय गॉड ये क्या हो गया, यू नो। तो प्लीज़ अगर किसी को ऐसा सिम्टम्स लगते हैं तो प्लीज़ जाइए और चेकअप करवाइए, कोई बड़ी बात नहीं है और डरने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। आई थिंक आप सबको ये करवाना ही चाहिए और ये ज़्यादा बेहतर है हमारे फ्यूचर के लिए। इवन अभी तो वैक्सीन भी आ गया यहाँ पे, ऑलरेडी काफ़ी जो हेल्थ वर्कर हैं उनको इंजेक्शन देना शुरू कर दिया है। दो डोज आती हैं, एक डोज एक वीक पहले होती है, फिर एक हफ्ते बाद दूसरा डोज लगता है कोविड का। तो दो डोज आती हैं अलग अलग। ये जो ब्रांड का है फाइजर का के एक ब्रांड है, उन्होंने निकाली हुई है और अमेरिका में जितने भी हेल्थ वर्कर हैं उनको देना शुरू कर दिया है। तो कुछ लोगों को सेकंड डोज जो है वो लग चुका है। तो ये वीडियो मैं दिखाने वाला हूँ पहले कोविड टेस्ट, देन हम उसके बाद और बहुत सारी नई वीडियोज़ आने वाली हैं, जैसे कि मतलब क्रिसमस पे यहाँ पे लाइटिंग कैसा होता है, और फिर इसके बाद मैं कहीं घूमने जाने वाला हूँ उसकी वीडियोज़ हैं। तो सो मैंने लिस्ट मैंने एक बनाई है कि आप लोगों को यहाँ के बारे में दिखाऊँ बताऊँ। सो बी रेडी और आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं, चलिए देखिएगा आगे का और मज़ा आएगा। ओके तो ये जो स्लीपर मैं दिखा रहा हूँ ये एक्चुअली मेरा पंजाब में जो हुआ था, एक्चुअली आपको सरकारी हॉस्पिटल में करवाना पड़ता है, फिर आपको ये मैसेज आता है कि आपका जो आपने कोविड टेस्ट करवाया इस तरीके से ये लोग टेस्ट कर रहे हैं आप देख रहे हो। तो इंडिया में भी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, उसके बाद आपका मैसेज आता है कि आपको नेगेटिव आया है और ये आपको स्लिप दे दी जाती है कि आप कहीं भी दिखा सकते हो। जैसे मुझे एयरपोर्ट पे दिखाना था तो मैं लेके आया था, और अमेरिका में इस तरीके से आपको ऑनलाइन ही अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उसके बाद आप जा सकते हो। एक प्रॉपर प्लेस होता है जहाँ पे आपको जाके कार में ही बैठे रहना है, कार से निकलना नहीं है, गाड़ी में बैठे बैठे ही आपका जो है कोविड टेस्ट होगा। वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे होगा। वो एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे टेंट्स लगे हुए हैं, तो आप कार के साथ ही वो टेंट के अंदर जाओगे, वहाँ पे एक पर्सन होगा वो आएगा आपका टेस्ट लेगा और फिर आपको बाय ईमेल ये लोग बता देंगे कि आप नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। और अगर आप ये इस तरीके से, ये डॉक्टर्स खड़े हुए हैं यहाँ पे तो इसी तरीके से ये टेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, मैं वीडियो नहीं बना सकता था वहाँ पे, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। मेरी नेक्स्ट रो में इस तरह से टेंट लगे हुए हैं, गाड़ियाँ लेके लोग खड़े हुए हैं और एक हफ्ते का वेटिंग होता है यहाँ पे। मैंने एक हफ्ते पहले अपॉइंटमेंट करवाया था तो मुझे आज के दिन जाना पड़ा और जगह मिली, और लोग अपने आप ही जाते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सब लोग डरते हैं, आई डोंट नो व्हाई, कि कोविड टेस्ट करवाना, ओह माय गॉड क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आई डोंट थिंक डरने की ज़रूरत है, करवाना चाहिए। ये देखिए, ये कार में मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे टेस्ट हो रहा है। यहाँ पे लेडी स्वैब लेके खड़ी है और आपके नाक में लगाएगी, और ये टेस्ट जो है इंडिया के कंपैरिजन में थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। अच्छा इन द सेंस क्यों लगा वो भी बता देता हूँ, क्योंकि एक तो आपको गाड़ी में बैठे रहना है, आपको कहीं जाना नहीं है, मास्क पहने रखना है, और ये लोग नाक के एकदम अंदर तक नहीं जाते हैं। मुझे ये भी थोड़ा सा वो लगा कि मे भी थोड़ा डिफरेंट है। और देखिए गाड़ियों में यहाँ पे बैक साइड में दो पेशेंट है, तो दोनों साइड दो लोग खड़े हुए हैं चेक कर रहे हैं। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट 10 से 12 ऐसे टेंट थे और लाइन बहुत लंबी थी गाड़ियों की। सुबह 10 बजे से शुरू हो जाता है और रात तकरीबन शाम 7 बजे तक ही ओपन रहता है। ये सेंटा क्लेरा काउंटी में होता है और बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमें ये किया जाता है सेंटा क्लेरा काउंटी में। ये सैन होजे में आता है, सैन होजे मतलब स्टेट है कैलिफोर्निया में, एक बड़ा शहर है उसको सैन होजे बोलते हैं, सैन फ्रांसिस्को के पास में आता, तो मेरा वहीं पर आ रहा था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, आई थिंक सब लोगों को करवाना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, क्योंकि मैं इंडिया से आया था तो आई थिंक ज़रूरी था मेरे लिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए इन फ्यूचर। तो मैंने करवा लिया, क्योंकि मुझे अलग से
रूम में रहना पसंद नहीं है। तो जैसे ही मैं आया, 3 दिन रूम में था, फिर मैंने टेस्ट करवाया, 2 दिन बाद टेस्ट का रिपोर्ट आया। तो ऑलमोस्ट 1 हफ्ता जैसा मैं अलग से रूम में ही रहा था, उसके बाद सब क्लियर हो गया। तो मैं आराम से सबके साथ बैठने लगा, खाने लगा, घूमने लगा, बाहर जाने आने लगा, वॉक पे, तो इजी हो जाता है। मैं इंडिया से भी करवा के आया था, बट यहाँ पे दोबारा क्यों करवाया, बिकॉज मैं फ़्लाइट में था, और व्हाट इफ़ फ़्लाइट में किसी को होता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है आपको। तो ये थोड़े थोड़े क्लिप्स मैंने निकाले थे आप लोगों के लिए कि यहाँ का वेदर, रोड्स कैसी हैं। तो इसलिए ठंड है यहाँ पे भी और मज़ा आता है, काफ़ी डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, ये मेरा नेगेटिव टेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।